कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर चर्चा में आई सीरम इंस्टीट्यूट में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई। जिस प्लांट में आग लगी वहां अभी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पुणे के मंजरी में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में दोपहर 2:30 बजे आग लगी। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग की घटना पर काबू पाया, मगर हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। दमकल विभाग के अनुसार स्थिति पर नियंत्रण पाने के बाद हमें इमारत की 5वीं मंजिल पर 5 शव मिले। कुल 9 लोगों को बचाया गया। 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी इस प्लांट में वैक्सीन का उत्पादन नहीं शुरू हो पाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इमारत में बीसीजी वैक्सीन बनती थी और इसका कोविशील्ड वैक्सीन से लेना देना नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है